यूं तो इस धरा पर प्रतिदिन असंख्य मानव जन्म लेते हैं, किंतु दिव्य शक्तियों से संपन्न जब भी कोई प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वक्त थम सा गया हो। प्रकृति में व्याप्त जीव जंतु और सभी प्राणी निशब्द होकर कौतूहलवश मानो इस नए जीव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। समय भाद्रपद पूर्णिमा, आकाश में काले मेघों का एक समूह, आकाशीय विद्युत का सहसा प्रज्वलित होना, धरा पर प्रकाश पुंज का संक्षिप्त प्रवेश, इन सब निहारिकाओं का संगम उत्तराखंड के सुदूर गांव नैथाना में घटित होता है। वृद्धावस्था की दहलीज पर प्रवेश और पुत्र रत्न की प्राप्ति, ये क्षण श्री गेंदामल जी के जीवन का शायद सर्वश्रेष्ठ पल होगा। मन सावन के हिलोरी ले रहा है। गेंदामल जी कितने प्रसन्न थे ये शब्दों में कहना शायद मुश्किल होगा। बालक का नाम पूरण मल रखा गया, जो कि कालांतर में पुरिया नैथानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए हम इस महापुरुष के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको रूबरू कराएं। बहुमुखी प्रतिभा के इस बालक के असाधारण कार्यों की खबर तत्कालीन गढ़वाल नरेश मेदिनीपति शाह को हो गई। मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में मंत्री शंकर डोभाल जी ने इन्हें नैथाना गांव से श्रीनगर बुलवा लिया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध समकालीन राजकुमारों संग राजकीय पाठशाला में करवा दिया गया। विलक्षण प्रतिभा संपन्न पुरिया ने अस्त्र शस्त्र विद्या व घुड़सवारी में दक्षता हासिल कर ली। वेद पुराण धर्मशास्त्र और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रजा के विनोद के लिए हर वर्ष राज्य में प्रायोजित बैलों की प्रदर्शनी के समय एक बैल अनियंत्रित होकर जनसमूह के बीच दाखिल हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुरिया जी ने तुरंत उस बैल को सींगों से पकड़कर अपने बल प्रयोग से काबू कर एक जंजीर से बांध दिया। संयोगवश दूसरी घटना विजयदशमी के दिन नए नए घोड़ों के प्रदर्शन के दिन हुई। एक बड़े क्रीड़ा स्थल पर विशाल जनसमूह के सम्मुख राज्य के मंत्रीगण, स्वयं महाराजा फतेह शाह व दिल्ली से आमंत्रित एक राजदूत भी उपस्थित थे। घुड़सवारों ने एक एक कर अपने कर्तव्य दिखाए, किंतु दिल्ली से आए राजदूत कहने लगे कि दिल्ली में हमारे घोड़े इससे बहुत ऊंची उड़ान भर लेते हैं। पुरिया जी ने राजदूत की इसी बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पुरिया जी स्वयं घोड़े पर सवार हुए और देखते ही देखते उन्होंने सामने किले की दीवार से घोड़े को पार लगा दिया। पुरिया जी के इस शौर्य प्रदर्शन से उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उन्हें राजशाही में सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पुनः मुगल सम्राट औरंगजेब की बेटी के विवाह में गणराज्य से प्रतिनिधि के बतौर पुरिया जी को दिल्ली भेजा गया। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कांसखेत अडवाणी मार्ग पर रमा चंदोला नाम की कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और विधिवत विवाह के बंधन में बंध गए। महाराजा फतेह शाह द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर माफ करवाने के लिए पुरिया जी को दूसरी बार दिल्ली राज दरबार में भेजा गया। मुगल सम्राट औरंगजेब से अरबी फारसी में इन्होंने वाद विवाद किया। साथ ही एक करेला दिखाकर इन्होंने गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति से भी अवगत कराया, जिससे प्रभावित होकर सम्राट ने गढ़वाल में जजिया कर माफ कर दिया। राजधानी श्रीनगर की रक्षा। एक समय सीमा पार कुमाऊं के राजा जगत चंद ने एक बड़ी सेना लेकर श्रीनगर को घेर लिया। उस वक्त गणराज्य की सेना का बड़ा भाग पश्चिमी सीमा पर तैनात था।
पुरिया जी ने बुद्धि विवेक से काम लेते हुए राजा जगत चंद के आक्रमण का प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसका सम्मान सहित मेहमान की तरह स्वागत किया। यह एक कूटनीतिक निर्णय था। अपनी वाक्पटुता से पुरिया जी ने राजा जगत चंद को इतना प्रभावित किया कि उसने पुरिया जी को ब्राह्मण स्वरूप संकल्प में श्रीनगर दान में दे दिया। इतिहासकार रुद्रदत्त पंत लिखते हैं कि राजा जगत चंद का यह संकल्प बड़ा विस्मयकारी था। कठैत गर्दी। कठैत गर्दी गढ़वाल राज्य में राजशाही की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में मानी जाती है, जहां कुछ प्रमुख औहदेदारों ने कुचर्क रचकर सत्ता को हथियाने की कोशिश की थी। इस गृह युद्ध को खत्म करने का संपूर्ण श्रेय पुरिया जी को जाता है। महाराजा फतेह शाह के देहावसान के बाद उनके पुत्र दिलीप शाह का राज्याभिषेक हुआ, जिनकी असामयिक मृत्यु के कारण उनके 8 माह के शिशु प्रदीप शाह को गद्दी पर बैठाना पड़ा, जो कि सत्ता में बैठे कठैत सरदारों को स्वीकार्य न था। विद्रोह का बिगुल बज गया। सादर सिंह कठैत के 5 पुत्रों ने सेनापति गजय सिंह भंडारी व दीवान शंकर डोभाल की हत्या कर राजशाही पर कब्जा कर लिया। पुरिया जी ने इस भयावह परिस्थिति को देखकर शिशु राजकुमार प्रदीप शाह को अपने विश्वास पात्र रुद्र भट्ट के साथ अपने मूल ग्राम नैथाना भेज दिया। पुरिया जी ने इस स्थिति से निपटने के लिए लोभा, बधान और रायगढ़ की प्रजा को एकत्रित कर श्रीनगर को 18,000 सैनिकों के साथ घेर लिया और 5 भाई कठैतों को समर्पण का संदेश भिजवाया, जो कि उन्हें मान्य नहीं था। 5 भाई कठैत राजशाही छोड़कर रुद्रप्रयाग मार्ग पर नरकोटा के पास मारे गए, जिस जगह को आज पंच भैया खाल कहा जाता है। इस विद्रोह को शांत करने के उपरांत पुरिया जी अवकाश प्राप्त कर अपने मूल ग्राम नैथाना में विश्राम करने लगे। नियति को शायद ये मंजूर ना था। जीवन के लगभग 94 वर्ष में महाराजा प्रदीप शाह ने उन्हें नैथाना ग्राम से पुनः एक युद्ध का नेतृत्व करने की अपील की। जीवन का आखिरी युद्ध। पुरिया जी ने राज आज्ञा का सम्मान करते हुए लाव लश्कर लेकर कुमाऊं की सीमा जुनियागढ़ में प्रवेश किया। रात्रि में अपने कैंप में विश्राम करते हुए पुरिया जी व उनकी सेना पर कुमाऊं राजा के सेनापति शिवदेव जोशी ने आकस्मिक आक्रमण कर दिया। पुरिया जी बिना बख्तरबंद इस लड़ाई में कूद पड़े। आक्रमणकारियों के साथ लड़ते हुए उनके शरीर पर कई घाव हो गए, जिसके कारण पुरिया जी घायल हो गए। महाराजा प्रदीप शाह ने यह देखकर अपने इस युद्ध के निर्णय पर अफसोस जताया और पुरिया जी को वृद्धावस्था में युद्ध में शामिल करने पर दुख जताया। तब पुरिया जी के अनुरोध पर जूनियागढ़ में नैथानागढ़ व नैथाना मंदिर का निर्माण करवाया गया, ताकि सीमाओं की सुरक्षा हो सके। नैथानागढ़ के अवशेष व नैथाना मंदिर आज भी कुमाऊं के जूनियागढ़ में स्थित है। पुरिया जी एक कालजयी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गणराज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व बार बार जन्म नहीं लेते, बल्कि इतिहास में अमर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस विशाल व्यक्तित्व को सभी के हृदय में पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्ग भी प्रशस्त हो सके।